Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is minerals. As in previous lecture, we complete our water-soluble vitamins, their function, deficiency and toxicity. Now, the next is minerals. And you know that these minerals, they are micronutrients. It means we need these minerals in smaller amount, and these minerals, they are also important for our body as they play their own function inside our body. So these minerals, they are inorganic substances found in body tissue and fluids. ठीक है, जिसे विटामिन्स या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या फैट्स थे, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट था. लेकिन मिनरल्स है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं इन टिश्यूज एंड इन फ्लूइड्स. दे रिमेन लार्जली एज ऐश व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज आर इग्नाइटेड. कहते हैं जब हम प्लांट्स या एनिमल टिश्यूज को इग्नाइट जलाते हैं, वहां पे जो मिनरल्स उनमें होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ऐश फिर हो जाता है. ठीक है, जो मिनरल्स होते हैं एस्पेशली दे अकर एज सॉल्ट्स लाइक NaCl, सोडियम क्लोराइड, Ca इज कैल्शियम, फॉस्फेट, फेरस, सल्फेट. ठीक है, एंड मिनरल जो है हमारी बॉडी जो है, बॉडी वेट जो है उसमें सिर्फ बोन्स या मसल्स नहीं है. आवर बॉडी वेट जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ मसल्स, बोन्स, टिश्यूज, मिनरल्स एंड अदर फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. सो जो आपका बॉडी वेट है उसमें 4% है मिनरल्स. These minerals are required in small quantities and are vital or important to the body, which they should be supplied daily as they are excreted through kidney, bowel and skin. ये जो minerals हैं, as I told you that we need them in small amount. ठीक है, and the daily needs of the minerals get fulfilled by proper डाइट. जो ये मिनरल्स है इनकी रिक्वायरमेंट और नीड जो है वो आपको डाइट से फुलफिल हो जाएगी. ठीक है, एंड आवर डाइट शुड सप्लाई दीज मिनरल्स इन डेली बिकॉज ये जो ये मिनरल्स है ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग. ठीक है, जैसे थ्रू स्किन स्वेटिंग हो जाती है, जो भी हमारे बॉडी में मिनरल्स होते हैं वो उसके साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं थ्रू किडनी या थ्रू बाउल. ठीक है, सोडियम इज मेन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड पोटेशियम इज मेन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड. आपको पता होगा जो फ्लूइड है इंट्रा और एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा में सबसे जो इम्पोर्टेंट फ्लूइड है दैट इज मिनरल है सोडियम एंड इंट्रा में पोटेशियम है. ठीक है, नाउ जो मिनरल्स है इसमें आ जाते हैं, वी क्लासिफाई द मिनरल्स इनटू टू ग्रुप्स. वन इज मेजर एलिमेंट्स एंड अनदर वन इज द माइनर एलिमेंट्स एंड द लास्ट वन इज द ट्रेस एलिमेंट्स. जो मेजर मिनरल्स है इट मींस वी रिक्वायर देम इन दिस अमाउंट ग्रेटर देन 100 मिलीग्राम पर डे. ठीक है, इट मींस हमारी इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेटर देन 100 मिलीग्राम पर डे. इसमें आ जाता है कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर. माइनर एलिमेंट्स में आता है आयरन एंड मैग्नीज जिसकी रिक्वायरमेंट लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे. ट्रेस एलिमेंट्स में आ जाता है जो फ्यू मिलीग्राम्स आर रिक्वायर्ड इन एवरी डे, आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक एंड मॉलिब्डेनम. सो we classify minerals into three groups. One is major minerals or major elements, next is minor and the last one is the trace. Major hote hain unki demand hoti hai hamare body ki more than 100 milligram per day jisme calcium, phosphorus, sodium, chlorine, potassium, magnesium aur sulfur aa jata hai. Minor mein aa jata hai iron, Fe is iron and manganese jiski requirement per day hai less than 100 milligram. और ट्रेस एलिमेंट्स में आ जाता है आयोडीन, जिंक, फ्लोरीन एंड मॉलिब्डेनम. होप यू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. नाउ एज पर योर सिलेबस वी हैव टू डिस्कस द फर्स्ट मिनरल दैट इज कैल्शियम. एज यू नो दैट दिस कैल्शियम इट इज
one of the important and major element for our body, as we need this calcium for formation of bone and teeth. ठीक है, जो हमारी bones और teeth की जो formation होती है वो with the help of calcium हो जाती है, and हमारे bones और teeth में 99% calcium present होता है. ठीक है, और जो 1% है वो extra और intracellular fluid में present होता है. This calcium it helps the in blood clotting. ठीक है, it means जो calcium है वो आपके blood clot करने में help करता है. It helps bones to grow and become strong, regulates contraction and relaxation of muscles plus heartbeat. जो आपकी heartbeat है, आपको contraction और relaxation होती है, या muscles को contraction और relaxation हो जाती है, उसमें आपका calcium का main important role है. ये activate करता है number of enzymes in the pancreas. As you know, our pancreas it secretes lot of enzymes. जैसे पैनक्रियाटिक जूस है, ठीक है, बाइल जूस है, सो वहां पे कैल्शियम उसको हेल्प करता है जूस को सिक्रीट करने में. ठीक है, इट्स फूड सोर्सेज आर मिल्क, इट्स प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्मॉल ड्राइड फिश, नट्स और ऑयल सीड्स. ठीक है, नाउ इफ द कैल्शियम इज डिफिशिएंट इन योर डाइट व्हाट विल हैपन इन चिल्ड्रन, रिकेट्स, ऑस्टोमेलेशिया एंड ऑस्टोपोरोसिस इन एडल्ट्स. रिकेट्स में क्या होती है, जो उनकी बोन्स होती है वो ब्रिटल हो जाती है, बेंड हो जाती है, मसल वीकनेस हो जाती है, डिजेनरेशन ऑफ मसल्स हो जाती है. ठीक है, ऑस्टोमेलेशिया ये अडल्ट में हो जाता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, वाइटामिन डी से भी ये हो जाता है. ऑस्टोपोरोसिस स्पेशली वुमेन सफर हो जाती है आफ्टर मेनोपॉज, आफ्टर 45 और 55, जब मेंसुरेशन स्टॉप हो जाती है, जो ये फिजियोलॉजिकल साइकिल है, जब ये स्टॉप हो जाता है एक वुमेन में, उसके बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑस्टोपोरोसिस होने में. सो आफ्टर 45 जो वुमेन होती है उनको अपना कैल्शियम मेंटेन रखना होता है. ठीक है, जो कैल्शियम सोर्सेज ऑफ फूड है वो उनको कंज्यूम करना चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑस्टोपोरोसिस. ठीक है, या अगर उनको प्रॉपर डाइट से नहीं मिलता है तो उनको सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्टोपोरोसिस. आपने देखा होगा जो आफ्टर 45 जो वुमेन होती है वो कहती है मुझे बैक में प्रॉब्लम है, मुझे हड्डियों में दर्द है, टांगों में दर्द है, मैं चल नहीं पाती हूँ, मुझे लगता है मेरी जो बोन्स है, मुझे लगता है जो ही मैं चलूंगी मैं गिर जाऊंगी, फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं. ठीक है, बेंट होने के चांसेस होते हैं, इनकी जो बोन्स होती है वो बहुत ब्रिटल हो जाती है, इनको लगता है कि अगर मैं ज्यादा चलूंगी या फास्ट चलूंगी तो मेरी बोन टूट जाएगी, मुझे फ्रैक्चर हो जाएगी या गिर जाऊंगी, थकावट, इनको फटीगनेस फील हो जाती है. ठीक है, सो दैट इज वाई वी हैव टू प्रिवेंट द ऑस्टोपोरोसिस और ऑस्टोमेलेशिया इन एडल्ट बाय टेकिंग द राइट अमाउंट ऑफ द कैल्शियम इन द डाइट. And if the calcium is excess in your body, so excess calcium is excreted. So ज़्यादा calcium आपके body से excrete हो जाएगा, जिसके वजह से आपके bones या teeth पे effect होगा. ठीक है, this was the calcium. So another mineral as per your syllabus is iron. As you know that this iron it is very important mineral and is the main mineral for the formation of the RBCs in the blood. ठीक है, ये हमें हेल्प करता है आरबीसीज बनाने में या एचबी बनाने में हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन इजीली ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर. ठीक है, इट कैरिंग ऑक्सीजन टू द लंग्स वेयर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज पिक्ड अप टू बी एक्सहेल्ड बाय हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी. ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही कहा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड रिलीज एनर्जी फॉर फिजिकल वर्क. जैसे हमने पहले भी पढ़ा होगा, जो पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उनकी ऑक्सीडेशन के लिए आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आयरन की वजह से इनमें से एनर्जी बाहर आ जाती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैटी फूड्स में, जो हम एनर्जी यूज करते हैं अपनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए, अपनी डे टू डे एक्टिविटी के लिए. एंड आयरन जो है ये टू फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है हमारी फूड में, हीम होता है एनिमल सोर्स में एंड नॉन हीम होता है. सो द आयरन इज प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स इन द
फूड. वन इज द हेम जो हमें एनिमल सोर्स ऑफ फूड से मिल जाता है, एंड नॉन हीम फॉर्म जो है जो हमें दो बोथ प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल सोर्स से मिल जाता है. ठीक है, फूड सोर्सेज है इसके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, स्पिनच मस्टर्ड लीव्स, फेनुग्रीक, मिंट, होल सीरियल्स एंड लिग्यूम्स, ऑर्गन मीट एंड एग योक, गुर, जैगरी, डेट्स एंड पोमोग्रेनेट. अगर इससे डेफिशिएंसी होगी वो एनीमिया है. ठीक है, एनीमिया में आपको पता ही है क्या क्या हो जाता है, लिथार्जिक, फटीगनेस, पेलनेस ऑफ द स्किन, पेलनेस ऑफ द कंजक्टिवा, जो आईज होती है वाइट पोर्शन जो आई की होती है कंजक्टिवा वो येलो हो जाती है, उसका स्किन येलो हो जाता है. ठीक है, उसको थकावट महसूस हो जाती है, पैल्पिटेशन ज़्यादा हो जाती है, सांस फूल जाती है, जितना वो चलता है उसको लगता है कि वो बहुत थकावट महसूस हो जाती है उसको, और उसके जो नेल्स होते हैं वो ब्रिटल और स्पून शेप्ड हो जाती है, जिसको हम कोलेंशिया कहते हैं. ठीक है, कोलेंशिया मींस ब्रिटल नेल्स एंड स्पून शेप्ड नेल्स हो जाती है. सो ये सारे सिम्टम्स हैं एनीमिया के, जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं उसकी जो पर्सन है वो सफर करता है एनीमिया से. नॉर्मल जो आयरन की रिक्वायरमेंट है विमेन में है 11.5 to 14.5 एंड मैन में है 12.5 to 16.5 ग्राम. सो अगर इससे कम एचबी होगा इट मींस द पर्सन इज एनीमिक. देखो डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है एनीमिया के, पेलनेस ऑफ कंजक्टिवा, पेलनेस ऑफ टंग, लो एचबीबी, पेलनेस ऑफ म्यूकोस ऑफ सॉफ्ट पैलेट, फीट की स्वेलिंग होती है जब सीवियर एनीमिया होते हैं, कोलेंशिया जो मैंने आपको पहले ही कहा कोलेंशिया क्या होता है, इसमें नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, स्पून शेप्ड हो जाती है, फटीग थकावट महसूस हो जाती है, डिक्रीज्ड एक्सरसाइज टॉलरेंस, उसको थोड़ा सा काम देते हैं या एक्सरसाइज कहते हैं वो नहीं कर पाता, वो जल्दी थक जाता है, हेडेक, वीकनेस, इरिटेबिलिटी. ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस, कभी कभार उसको हार्ट को पेन होती है, पैल्पिटेशन हाई हो जाती है, ब्रेथलेसनेस, सांस फूल जाती है, टिंगलिंग टिंगलिंग होती है, जैसे हमें कभी वो लगते हैं कि हमें सुइयां चुभती है. ठीक है, दैट इज टिंगलिंग. पोअर एपिटाइट, उसको भूख मिट जाती है, स्लीप एपनिया, उसको नींद अच्छे से नहीं आती है. सो ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया. सो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स फील होते हैं इट मीन्स कि दैट यू आर सफर फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, दैट इज एनीमिया. सो टॉक्सिसिटी अगर इससे ज्यादा आपने लिया तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट मिनरल इज द आयोडीन. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इफ देयर इज डिफिशियंसी ऑफ दिस आयोडीन इन योर डाइट द पर्सन विल सफर फ्रॉम द डिजीज दैट इज गॉइटर. ठीक है, जो ये आयोडीन है इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द थायरॉयड फंक्शन. जो हमारा थायरॉयड ग्लैंड है वो नॉर्मली हार्मोन सिक्रीट करता है. ठीक है, जिसको हम उन हार्मोन्स को कहते हैं थायरोक्सिन, या दूसरा है T3 एंड T4. T3 मीन्स ट्राई आयोडो थायरोनिन एंड T4 इज थायरोक्सिन. सो ये जो ये थायरॉयड ग्लैंड है ये नॉर्मली फंक्शन प्ले करता है, ये हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो थायरॉयड ग्लैंड है वो प्रॉपर फंक्शन करता है. बट व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉयड इन योर डाइट, इसकी वजह से आपका थायरॉयड ग्लैंड प्रॉपरली काम नहीं करता है, वो हार्मोन सिक्रेट नहीं करता है, जिसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग हो जाती है थायरॉयड ग्लैंड में, जिसको हम कहते हैं गॉइटर. ठीक है, या अगर प्रेग्नेंट लेडीज में थायराइड प्रेजेंट होगा या थायराइड की डेफिशिएंसी, आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, उनकी फीटस पे इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, फीटस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, फीटस के मेंटल डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम कहते हैं फिर क्रिटिनिज्म. ठीक है, जो क्रिटिनिज्म होता है, क्रिटिनिज्म के इन्फेंट्स में जो न्यू बॉर्न बेबीज होता है, इफ देयर मदर इज सफर फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर उनके डाइट में डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है तो उनकी वो जो फीटस होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो सफर करता है किस डिजीज से, क्रिटिनिज्म से. क्रिटिनिज्म में क्या हो जाता है, मेंटल डेफिशिएंसी हो जाती है. ठीक है, सो अनदर डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इन द फीटस और न्यू बॉर्न चाइल्ड इज क्रेटिनिज्म. क्रेटिनिज्म में क्या हो जाता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैम्पर हो जाती है, और उसकी जो मेंटल हेल्थ है
उस पे भी इफेक्ट होता है। इट मींस जो एज पर जो नॉर्मल उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो जाती है, जो मेंटल डिफॉर्मिटीज उसमें हो जाती है। ठीक है, आयोडीन डिफिशियंसी इज एन इम्पॉर्टेंट ग्लोबल हेल्थ इशू स्पेशली फॉर फर्टाइल एंड प्रेगनेंट वुमेन, बिकॉज ये एक ग्लोबल हेल्थ इशू बन गया है बिकॉज इट कॉजेज द फर्टिलिटी एंड स्पेशली इन द प्रेगनेंट वुमेन। इट इज ऑल्सो ए प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा जो आयोडीन डिफिशियंसी जिसमें होती है उनके मेंटल ग्रोथ पे इफेक्ट होता है। ठीक है, बिकॉज इट इसका एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट हेल्प्स फॉर ना मेंटल फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल। ठीक है, एंड दिस आयोडीन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द थायरॉयड ग्लैंड टू सिंथेसाइज हार्मोन टू हार्मोन्स। ठीक है, जो नॉर्मली थायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट करता है T3 एंड T4। T3 होता है आयोडोथायरोनिन एंड T4 होता है थायरोक्सिन। ये जो ये दो हार्मोन्स है ये हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड को नॉर्मली फंक्शन करने में। बट व्हेन देयर इज डिफिशियंसी और एबनॉर्मैलिटी ऑफ दीज हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्यूमिनेट हो जाता है, वो एनलार्ज हो जाता है एंड जो पर्सन है वो सफर करता है डिजीज जिसको हम कहते हैं गॉइटर। ये स्पेशली वुमेन्स में ज्यादातर पाया जाता है एंड इन केस ऑफ द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स दे विल सफर फ्रॉम द क्रेटिनिज्म। ठीक है, जहाँ पे उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट पे इफेक्ट होता है। दीज आर द फूड सोर्सेज ऑफ द आयोडीन, इट इज प्रेजेंट इन द सी फूड, कॉड लिवर ऑयल, स्मॉल अमाउंट इन मिल्क, मीट, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। ठीक है, आयोडीन कंटेंट ऑफ वाटर एंड क्रॉप्स डिपेंडेंट ऑन आयोडीन कंटेंट ऑफ सॉइल, बिकॉज वाटर में भी प्रेजेंट होता है या हम जो इसमें क्रॉप फसल उगाते हैं उसमें भी आयोडीन प्रेजेंट होता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट, कितना सॉइल में प्रेजेंट होगा उतना ही क्रॉप और वाटर में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जिसको हम गॉइटर कहते हैं, वेट गेन, फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, एंड इफ यू टेक दिस इन एक्सेस यू विल सफर फ्रॉम द डिप्रेसिव थायराइड एक्टिविटी, जो भी थायराइड का फंक्शन है वो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मिनरल्स। थैंक यू।